नमस्कार। देश भर में छठ की धूम देखी जा रही है। बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में इस त्योहार को जोर शोर से मनाया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि छठ मैया की पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और मन्नत मांगी जाती है। चूंकि ये मौका खास होता है तो ऐसे में कई भोजपुरी सिंगर्स इसको लेकर नए नए एल्बम सॉन्ग्स भी रिलीज करते हैं। छठ के कार्यक्रमों के दौरान आपने इस तरह के कई गाने सुने होंगे। ऐसा ही एक गाना रानू मंडल की आवाज का बताकर वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसमें रानू मंडल सूर्य को अर्घ देती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। हालांकि यहां पर आपको साफ करते चले कि इस गाने में रानू मंडल की आवाज नहीं है, बल्कि रानू मंडल के नाम से इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। यूट्यूब पर इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। कुछ यूजर्स रानू मंडल की आवाज समझ कर इसे पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग साफ कह रहे हैं कि इस तरह से बेवकूफ बनाना गलत है, ये रानू मंडल की आवाज नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रानू कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो वापसी नहीं कर सकती। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, थैंक्स रानू मंडल जी, मस्त सॉन्ग, जरा सोनू निगम की आवाज में भी गाइए ना प्लीज। एक यूजर ने लिखा, रानू जी के जैसा कोई नहीं, इतना बड़ा गायक इतने साल के बाद आया है। खैर, लोग तो समझ गए कि ये गाना रानू ने नहीं गाया, लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों से रानू की वीडियोस जिस तरह से वायरल हो रहे हैं वो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ वक्त पहले रानू मनी के मांगे हिते गाती हुई नजर आई थी। रानू की आवाज में उस गाने को सुनकर लोगों ने उनकी खूब टांग खींची थी। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपको लगता है रानू को इंडस्ट्री में एक और मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।